नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज, आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हम खड़े हैं नागरिक अस्पताल हादसे में। आपको बता दें कि शेखपुरा की बहू 24 वर्षीय जो मजदूर का काम करती है पूजा, उसको आज खेतों में सांप ने काट लिया है। आपको बता दें कि वो मजदूरी का कार्य करती है और 24 साल की है। और आपको यही बता दें कि बलियाली की लड़की है, बलियाली गांव की लड़की है। आज शेखपुरा गांव में जो हर रोज़ की तरह मजदूरी का काम करती है, घास काट रही थी, उस समय जानवर लड़ा यानी कि हाथ पर, और जो परिजन है उनके द्वारा जो बातचीत की गई है, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि उसको सांप ने काटा है। और उसको हाँसी नागरिक अस्पताल में लाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया गया। इस समय की खबर आ रही है। आपको ये बता दें कि नागरिक अस्पताल में उनके प्रतिदिन पीछे की साइड में दिखा रहे हैं आपको, पहुँचे हुए विलाप कर रहे हैं। और इतना नहीं, आपको यही बता दें कि मजदूरी का काम करती थी ये महिला 24 वर्षीय, जो नाम पूजा बताया जा रहा है, उसकी डेथ हो गई है अस्पताल के अंदर। लगातार जो भी अपडेट है वो आप तक हम पहुँचाने का काम कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, जो भी खबर होगी सबसे पहले आप तक हम पहुँचाने का काम करेंगे। सरकार से मिले तो कैसे है? ये सांप ने काट लिया था खेतों में, तो सिविल में लाए, फिर डेड घोषित कर दिया। तो कितनी उम्र है उनकी? 24 साल। तो किन में, किस समय का वाक्य है? 10:30 बजे। तो ये बच्चे कितने हैं उनके? एक लड़का है। तो आप कौन हो? मैं, मेरे छोटे भाई की वाइफ थी। अच्छा, तो इसके अलावा प्रशासन वगैरह से कोई मदद? हाँ, जो सरकारी मदद चाहे वो देनी चाहिए, बच्चे के लिए आगे थोड़ी सुविधा हो जाए, बस और क्या थी, हमने कुछ नहीं। ये भी आपको बता दें कि परिजनों ने मांग करी है प्रशासन से, जो भी सरकार की तरफ से मदद हो सके परिजनों को की जाए, क्योंकि मजदूरी का काम करती थी जो महिला 24 वर्षीय पूजा, उसकी आज यानी कि जानवर ने काटने से मौत होगी, यानी कि सांप बताया जा रहा है, कि हाथ पर निशान भी बताया गया है। और उसको नागरिक अस्पताल हादसे में लाया गया और डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया गया है। जो अपडेट आ रही थी आपको बताने का काम कर रहे हैं, नागरिक अस्पताल से खबर आ रही है जो कि शेखपुरा की बहू बताई जा रही है, और बलियाली गांव की लड़की है ये, जो आज सुबह सांप ने काटने से इस महिला की मौत हो गई है। परिजन अस्पताल में पहुंच चुके हैं।